नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन मटेरियल्स फॉर क्लच एंड ब्रेक। तो दोस्तों, मशीन कंपोनेंट डिजाइन के आरजीपीवी एग्जाम में पूछा गया है फ्रिक्शन मटेरियल्स के बारे में। टॉम में थ्योरी ऑफ मशीन में भी आता है, डायनेमिक ऑफ मशीन में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिफरेंट सब्जेक्ट में अक्सर हमारा हम क्लच एंड ब्रेक्स पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग या फ्रिक्शन मटेरियल्स के क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में व्हाट इज फ्रिक्शन मटेरियल्स, फ्रिक्शन मटेरियल्स क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल एंड एप्लीकेशंस, यह देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन मटेरियल्स। तो फ्रिक्शन मटेरियल्स वह पदार्थ है जो फ्रिक्शन को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है बिटवीन सॉलिड सरफेस फॉर स्टॉप या कंट्रोल मोशन। किसी भी मशीन पार्ट या किसी भी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट के मोशन को रोकने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए वी यूज ब्रेक एंड क्लच। तो ब्रेक्स पैड फ्रिक्शन मटेरियल के होंगे तभी जाके उसके रोटेशन को रोक पाएगा। तो इसको हम और भी नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेक मटेरियल्स एंड क्लच मटेरियल्स। इसको ब्रेक एंड क्लच मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए? फ्रिक्शन मटेरियल को। द मटेरियल्स लाइक, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक सबस्टेंस सच एज रिजाइन, सिरेमिक फाइबर्स एंड मेटल्स आर नोन एज फ्रिक्शन मटेरियल्स। मीन्स ये जो आपके सिरेमिक हो गया, मेटल्स हो गए, फाइबर हो गए, रिजाइन, ये सभी जो पदार्थ हैं इसको हम फ्रिक्शन मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार ज्वाइन किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल्स। फ्रिक्शन मटेरियल्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, मिलबोर्ड टाइप, मोल्डेड टाइप एंड बोवन टाइप्स। तो जो मिलबोर्ड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल होते हैं, इस प्रकार के फ्रिक्शन मटेरियल मुख्य रूप से एजबेस्टोस सीट ट्रीटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ इम्परजनेट्स। मीन्स जो एजबेस्टोस सीट होती है यह अलग अलग प्रकार के इम्परजमेंट से मिलके बनी होती है। ये हमारा मिलबोर्ड टाइप के फ्रिक्शन मटेरियल की कैटेगरी में आता है। सेकंड है मोल्डेड टाइप। मोल्डेड मतलब जैसे कि आपने मोल्डिंग पढ़ी होगी कास्टिंग वगैरह में, तो मोल्डेड टाइप, द मोल्डेड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स। मीन्स जो मोल्डेड टाइप है यह मटेरियल बनता है किससे? मैट्रिक्स ऑफ एजबेस्टोस फाइबर, एजबेस्टोस फाइबर के मैट्रिक्स एंड स्टार्च मटेरियल को मिला के बनाया जाता है। दे आर हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर। इसको हम एक आवश्यक तापमान तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट करते हैं। किसके लिए? मोल्डिंग के लिए। और इसको डाई के अंदर प्रेशर अप्लाई करके हम इसको क्या कर देते हैं? मोल्ड कर देते हैं। जो मेटलिक वायर होते हैं आल्सो समटाइम इंसर्टेड टू इम्प्रूव बेयरिंग क्वालिटी। मीन्स जो मेटेलिक वायर्स हैं, ये जो बेयरिंग क्वालिटी होती है, क्षमता होती है, इसको भी क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, हम बीच बीच में मेटल्स के तार डाल देते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड इज बोवन टाइप। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल्स आर मेड बाय इम्परजनेटिंग अ क्लॉथ विद सर्टेन बाइंडर। बाइंडर का मतलब है जो उसको होल्ड करके रखे, चिपका के रखे। तो मीन्स इम्परजमेंट क्लॉथ मतलब कपड़ा, ठीक है, रफ टाइप का, विथ सर्टेन बाइंडर अथवा वाई वेयरिंग थ्रेड्स ऑफ ब्रास या कापर वायर कवर्ड विद लॉन्ग फाइबर। मीन्स इसमें हम ब्रास या कापर वायर की थ्रेड्स को भी यूज कर सकते हैं, रस्सी को, तार को, विद लॉन्ग फाइबर एज बेस्टोस एंड कॉटन के साथ। ओके, ये तीन प्रकार के हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? फ्रिक्शन के मटेरियल्स होते हैं। अब दोस्तों, मोस्ट कॉमन फ्रिक्शन मटेरियल्स, कार्क जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.32 होता है, लेदर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.27, फैब्रिक इसका 0.40 एंड एजबेस्टोस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.20।
यह हमारे कॉमन फ्रिक्शन मटेरियल्स हैं जो कि अक्सर उपयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों इसका उपयोग कहाँ होगा, एप्लीकेशंस की बात करें तो फ्रिक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेक ब्लॉक, जो हमारे ब्रेक होते हैं, ब्रेक का जो ब्लॉक होता है उसको बनाने में यूज होता है। ब्रेक शू होते हैं जो हमारे ब्रेक लगाने पर अप्लाई होते हैं, वो भी हमारे इसके बनते हैं। फ्रिक्शन डिस्क, क्लच डिस्क, जो क्लच प्लेट्स होती हैं, क्लच डिस्क होती है, ये भी फ्रिक्शन लाइनिंग है, फ्रिक्शन मटेरियल्स की होती हैं। क्लच फेसिंग, जो क्लच प्लेट का फेस होता है, ये फेसिंग पे भी हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। ब्रेक लाइनिंग, क्लच सेट एंड ब्रेक पैड एटसेट्रा, यह सभी जो पार्ट्स हैं, नेम दिए हुए हैं, यह सभी हमारे किसके बनते हैं, फ्रिक्शन मटेरियल से बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।